नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, आज की खास बात में हम हमेशा से कोशिश रही कि कुछ अच्छे मुद्दों को, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप तक लेकर आते रहे। उनमें से एक मुद्दा आज हम आप तक लेकर आए हैं कि आए दिन आप सुनते आए हैं कि हमेशा बड़ी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, खास करके 30 जून को, जिसमें 25 लोग एक दुर्घटना में मर गए। उन 25 लोगों के लिए आज भी हमारे दिलों में संवेदनाएँ हैं, जिसको लेकर के हमने, यानी कि BCN की टीम ने नागपुर के कुछ जगहों पे जहाँ से ट्रेवल्स निकलती हैं उनके पेपर का जायजा किया, उनका पेपर चेक किया, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम लोग अपने वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कुमार के साथ नागपुर के लोहा पुल जगह पर उपस्थित है। मैं अजीत जी से आग्रह करूंगा, दिखाइए चारों तरफ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक बसेस का ट्रेवल्स का एक बड़ा पॉइंट है, जैसे वहाँ एक ट्रेवल्स है, यहाँ एक ट्रेवल्स है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेवल्स का एक हब बोलते हैं। और आप देखेंगे भी, जैसे ये देख रहे हैं कि एक नंदन बस करके है, ये एक ट्रेवल्स है। अब इससे पहले हम आपको, हमारा उद्देश्य यहाँ आने का ये है कि इससे पहले हम आपको बता दें कि 30 जून को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला दिया, जिसमें 25 लोगों की जान एक साथ चली गई थी। आपको ये खबर मालूम ही होगा कि जो बस नागपुर से पुणे जा रही थी और बुलढाणा में एक्सीडेंट हुआ था। उस बस में एक चीज़ सामने आई थी खुल के कि उसका PUC यानी कि पेपर में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी थी। अब हमने जब इस बस की जाँच पड़ताल की, नंदन बस जिसका नंबर आप देख रहे हैं MP20PA0894, आप एम परिवहन के बारे में जानते होंगे, सरकार का ऐप है। इस ऐप में जब हमने चेक किया तो इसका टैक्स 30 जून 2023 को फेल हो चुका था। यानी कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अभी भी जो पेपर इनकम्प्लीट होते हैं उस पर किसी का कोई एक्शन नहीं है। ट्रेवल्स वाले बेधड़क तरीके से चल रहे हैं और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब गाड़ियां पहुंचती है तो उस बीच में कई पुलिस के का बंदोबस्त होता है, कई नाका होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है जिस पर ध्यान रखा जा सकता है, कई बार कैमरे से गुजरना होता है टोल टैक्स पे भी। लेकिन उसके बाद भी अभी भी पेपर फेल का एक बड़ा मामला आया, जो कि नंदन बस का हम देख रहे हैं। ये बस जबलपुर जाने वाली है और आज अभी ये 3:30 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाएगी। हम लोग इसके ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, ये बस कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? इधर जाइए ना। किससे पूछना है? ये बात करने को तैयार नहीं है। हम लेंगे, प्रबंधन से बात करेंगे जरूर। आप आइए हमारे पास में। भैया, ये बस में कौन है? इस बस में, ये जबलपुर जा रही है ना, आज जा रही है, कितने बजे जाएगी? 4 बजे। 4 बजे नागपुर से निकलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, इस बस का जैसे कि टैक्स जो है कि 30 जून को एक्सपायर हो गया, क्या आपको इसकी जानकारी थी कि इसका टैक्स एक्सपायर हो चुका है? नहीं, इसका तो ऑनलाइन पेड होता है। ऑनलाइन ही होता है, बराबर है। लेकिन ये जो है एम परिवहन है, सरकार का ऐप है, ये झूठ नहीं बोलता है। इस पे जो है सारी चीज़ें अपडेट होती है। आपकी बस जो है 2015 मॉडल की है, फरवरी की है, 8 साल पुरानी बस है और इसमें जो इंश्योरेंस है 20 अक्टूबर 2023 तक वैलिड है। लेकिन इसका जो टैक्स है अभी 30 जून को ही ये फेल हो गया, उसके बाद भी आप लोग इतने दूर तक सफ़र करते हैं? नहीं, इस टाइमिंग में दूसरी गाड़ी चलती है, वो गाड़ी ख़राब होने की वजह से इमरजेंसी में लाए हैं इसको गाड़ी। ये तो एक बहाना है कि इमरजेंसी है। जब हमने आपसे सवाल किया, जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने बोला कि दूसरी बस चलती है, इमरजेंसी में आती है। लेकिन पहले इन्होंने कोई इसका जिक्र नहीं किया। जब हमने बताया कि इसका टैक्स फेल है तो इन्होंने बोला कि इमरजेंसी। एक बड़ा धोखा यात्रियों के साथ किया जा रहा है, इस पर प्रबंधन और प्रशासन कब ध्यान देगी, एक बड़ा प्रश्न है। और भी बस के बारे में हम जाँच पड़ताल करेंगे। सरकारी नियमानुसार गाड़ियों के सारे पेपर वैलिड होने चाहिए, पेपर ओके होने चाहिए, तभी वो नेशनल हाईवे, खास करके समृद्धि महामार्ग जैसे हाईवे पे चलने चाहिए। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन अजीत कुंवर जी से कहूँगा कि मेरे पीछे जो यार्ड है उस यार्ड को भी दिखाएं। यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी कंपनियाँ हैं जो बस वाली हैं, जैसे पर्पल है, इस टाइप की जो बड़ी कंपनियाँ उसके बसेस हमें पीछे दिख रही हैं। अब जो बस अभी अभी रवाना होने की है, वहाँ पे देख रहे हैं कि यात्री लोग उपस्थित हैं और वो जाने वाले हैं। ये पर्पल की गाड़ी है जिसका गाड़ी नंबर MH12RN8195 है, जो अभी थोड़ी देर में वो बाहर भी निकलेगी यार्ड से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस गाड़ी का जो टैक्स है वो एम परिवहन के अनुसार ये फेल हो चुका है 30 जून को, यानी कि 11 दिन हो चुके हैं लगभग गाड़ी का टैक्स फेल है। अब ये एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि 30 जून को जो हादसा हुआ उसमें एक PUC फेल था, तो एक बड़ा मुद्दा बना कि उसका PUC फेल था और मुद्दा बनना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गाड़ियों को पेपर ओके होने ही चाहिए। यात्रियों के साथ में कोई मजाक नहीं किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी उसमें सवार है, कई यात्री सवार होते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि इसका टैक्स फेल है, ऐसी कई गाड़ियाँ हैं, कई बड़ी कंपनियों के गाड़ियाँ हैं, किसी का टैक्स फेल है, किसी का पीयूसी फेल है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती है, ज़्यादातर कई लोग ओवरलोड चलाते हैं, ऐसी गड़बड़ियाँ होती है। इन पर कितना ध्यान देगी प्रशासन और कब ध्यान देगी, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये गाड़ी के बारे में जिसका टैक्स फेल है, यानी कि जो सरकार को जो टैक्स दिया है तो फेल है, वो गाड़ी खुले आम जो है कि चल रही है और पैसेंजर बिठा के ये गाड़ी अपने गमन के लिए तैयार भी है।